हजारीबाग न्याय प्रशासन की 75 वर्षों के इतिहास को जानने और बताने को लेकर सिविल कोर्ट स्थित न्याय सदन भवन में एक प्रदर्शनी का आयोजन शनिवार को किया गया। यह प्रदर्शनी झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर लगाई गई थी। लोगों को प्रदर्शनी के बारे में विस्तार पूर्वक बताने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव पुरुषोत्तम कुमार गोस्वामी मौजूद थे। इस मौके पर उनके साथ ACGM सिंधुनाथ लमय भी उपस्थित थे। न्याय व्यवस्था से संबंधित सारी प्रक्रियाओं और सुलभ न्याय दिलाने को लेकर 75 वर्षों में जिस प्रकार से विकास हुआ है, इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों के लिए प्रदर्शित किया गया। इसके साथ ही भविष्य में न्याय व्यवस्था में आने वाले क्रांतिकारी बदलाव के बारे में भी लोगों को बताया गया। इस प्रदर्शनी के माध्यम से ई कमेटी सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के द्वारा भारत के सभी न्यायालयों को सूचना और संचार तकनीकी के माध्यम से सुदृढ़ बनाया गया है। इस संदर्भ में सभी न्यायालयों को कंप्यूटर, प्रिंटर और इंटरनेट की सुविधा के साथ साथ न्यायालयों में लंबित मामलों के निपटारे को लेकर निपटारा में तेजी लाने के लिए CIS 3.0 एवं लंबित मामलों से संबंधित नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही सभी न्यायालयों में सेंट्रिक फैसिलिटी जैसे ई फाइलिंग, ई सेवा केंद्र, ई कोर्ट डॉट गवर्नमेंट डॉट इन, NSI, ई पेमेंट, ई सर्टिफाइड कॉपी इत्यादि सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस प्रदर्शनी के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यों और उसकी प्रक्रिया को दर्शाया गया है। इसके साथ ही न्यायिक प्रक्रिया को भी दिखाया गया। हजारीबाग जिला ब्यूरो मुकेश कुमार की रिपोर्ट। एप्लीकेशन आ गया है, उसमें जैसे आवेदन में कैसे होता है कि आप घर में आएगा, आपका सिग्नेचर लेगा और वो एकदम से जियो टैगिंग होता है उसका, कि जो आइटम आपको डिलीवर किया गया वो वहाँ पर सिग्नेचर विग्नेचर भी ले लेता है। जो आपका हैवी अमाउंट का कोई चीज़ होगा तो वो सिग्नेचर लेगा। जियो टैगिंग होता है कि आप जिस पता पर गए उस पता पर आप डिलीवर किए कि नहीं। उसी सॉफ्टवेयर को, उसी कंसेप्ट को यूज करते हुए जो हम लोग का जो बिलीफ जो लेकर के जाता है, प्रोसेस सर्वर प्रोसेस लेके जाता है, उस प्रोसेस को सही जगह पर डिलीवर हुआ कि नहीं, इसके लिए वो एन स्टेप का यूज किया जाता है। वो वहाँ जाएगा, प्रोसेस हैंड ओवर करेगा, प्रोसेस हैंड ओवर करने के बाद उसका सिग्नेचर लेगा, फोटो लेगा, फोटो लेकर के उसको अपलोड करेगा। तो ये सारी सुविधाएँ जो है एन स्टेप में हो गया, जिससे कि अब कोई भी आदमी का रियल टाइम हम लोग जान सकते हैं कि वो प्रोसेस सर्व हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद में सर्टिफाइड कॉपी बताई दी कि सर्टिफाइड कॉपी का अब जो है वेब बेस्ड झारखंड हाईकोर्ट .nrc.in पे जा कर सकते हैं। उसके साथ में ई सेवा केंद्र है, जिसका ई सेवा केंद्र में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं कि अगर किन्हीं को जजमेंट ऑर्डर चाहिए, कुछ ऐसा कुछ दान कराना हो, कुछ भी, तो ई सेवा केंद्र पर बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है। इसके साथ साथ में जैसे कि